भाई खुशी के पल अब थोड़ी देर में आने वाले हैं। आजा भाई बाहर, क्या कर रहा? फ्लैट में बिठाए क्या? अरे बस 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 बस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6 बजे में मैंने डिसाइड किया कि आज सुबह हम वर्कआउट करने जाएंगे। वो अभी सो रहा सिद्धार्थ, लेकिन मैं वर्कआउट करके आऊँगा। आसपास तो कोई नहीं दिख रहा, पूरा रोल सब खाली है। सोया नहीं हूँ, मैंने सोचा पहले वर्कआउट कर लेता हूँ, कुछ खा लूँगा, उसके बाद सो जाऊँगा थोड़ी देर। सो चालू होगा यहाँ का। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम यही है भाई वर्कआउट करने का। और अब मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा सुबह 5 बजे उठ के वर्कआउट करने आ जाऊँ। 30 दिन तो करके देखते हैं होता है कि नहीं। वर्कआउट कंप्लीट हुई आज की। 7 दिन के बाद फाइनली वर्कआउट करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। लगता है कि कुछ आता ही नहीं कि मेरी बॉडी बने। मैं जब जब तैयार होता हूँ ना, उसको अंदर से तैयार करता हूँ कि भाई वर्कआउट करनी है, अब तो फाड़ देनी है, तभी बीमार हो जाता हूँ। प्रोटीन थोड़ा सा बचा था इसमें करके रख लिया। अभी पहले प्रोटीन पीते हैं और थोड़ी देर सो जाएंगे यार, वैसे भी इतनी जल्दी उठ के करना क्या है। अरे बुरे में बुरा क्या हो सकता है कि घर पे जाने वाले पता चला हमारा सिलेंडर ही करता है। ऐसे ही उठ के बिना मुंह धोए हम आगे, इसलिए मुंह नहीं दिखा सकते कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम। नया सिलेंडर ले गए, ये पड़ा है मैं 690 रुपये का और किराया अलग, वहाँ से 30 रुपये और यहाँ से 30-32 रुपये लग जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 750 रुपये का पड़ा है सिलेंडर। ट्रैफिक हो रहा है भाई साहब, अभी आगे ना किसी का चालान कटा है, वो बेचारा रो भी रहा था भाई मेरा चालान मत काटो, पर रोने से होता ही क्या, पैसे दे के जाओ भाई। जानी दुश्मन देखिए तूने, जानी दुश्मन देखिए, उसमें नाग रहा है जैसे पेड़ में से नहीं निकले, वो वाला फील ले रहा। सुबह हो गई थी बारिश, जैसे मैं वर्कआउट करके आया था और मैं गया सो, अभी उठा हूँ और अभी पनीर लेके आया हूँ, जैसे दिखाया बनाते भाई पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी तैयार करने के लिए हमारे पास पनीर है, पास्ता मसाला है, प्याज कांगी भाई, प्याज भी होगी, टमाटर भी होंगे, बनाते हैं यार, कुकिंग शो थोड़ा ना जो पूरी चीज़ दिखाएंगे। तो ये हमारी पनीर भुर्जी तैयार हो चुकी है, रोटी रखी हुई है, रोटियां रखी हुई है, तो हम पहले ये खाएंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे यार क्या कर सकते हैं। ये तो मुंबई में बारिश कभी भी हो जाती है, कैसे लग रही है कॉमेंट में बताना। घर में पकौड़ों का माहौल है, बारिश आया ना और घर में पकौड़े आ गए। वैसा भी देखा हमारी मेहनत दिखाओ, बस शिवा की मेहनत देख लो एक बार। ये पकौड़े के लिए आलू काटे हैं, प्याज काटी है और हरी मिर्ची कुछ काटे कुछ ना काटी है। शिवा भाई लाइक कर देना वीडियो इसके लिए। और ये जो तेल देख रहे हो ना, 160 रुपये का लेके आए अभी अभी। कितने का लेके आए? 220। और मैं कह रहा भाई देख ले, 100 रुपये का डीमार्ट से मिल जाता, खाली पी लिए 220 मिल जाती। हाँ ये भी कर सके, 200 रुपये का तो पकौड़े बाहर से ले लेते तो काम बन जाता बनना, पर वो अपने हाथ वाले मजे नहीं आते ऐसे दुबई। लेकिन पकौड़े क्यों खा रहे मैं एक बार वो दिखा के। वजह ये कि बाहर हो रही है बारिश और अब तो रेगुलर बारिश हो रही है, आवाज़ ही सुन लेना वैसे दिख रही ना। वो घरेलू हिंसा भाई, चाय भी बना लो यार, पकौड़े कैसे खा रहे हो? ये देखो ऐसे ना पानी की बर्बादी होती है। शिवा ने कह रही, शिवा यार ये पानी ऐसे क्यों कर दे भाई, ऐसे मत खराब किया कर पानी यार, पानी वैसे बहुत कीमती है, क्या कर रहा है? बंद नहीं हो रहा वैसा ही। ए यार तो भाई काम फैलाने वाली बात है, पासवर्ड लगा रखा उसमें तो आपने। हाँ
अनाउंसमेंट करने वाले शिवाजी बता दीजिए। हाँ, कुछ अनाउंसमेंट नहीं, एक छोटी सी बात है बस कि हम मौज पे आ चुके हैं और इंस्टा और फेसबुक पे भी नई वीडियोस अपलोड होनी स्टार्ट हो गई। हाँ, तो अगर आप पे खाली टाइम मिल जाए मैं एक वीडियो देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी आपको, आप जाएं और देखें। ये देखो खुद ही डाल दिया लिंक भी, ठीक है। इनका मौज, इन्होंने मौज पे आईडी बनाई है, इंस्टाग्राम पे बनाया, बहुत अच्छा कॉन्टेंट बना रहे हैं। तो देखा, मैनेजर की कॉल आ गई इनके मैनेजर की कॉल आ रही है। बारिश का ही ये साइड इफेक्ट है कि कपड़े घर में सूख रहे हैं। चप्पल के लिए बैठा हुआ है। सुपरमैन के हाथ में चोट लग गया। लौटने की चोट लग गई है, चल भाई डॉक्टर पे चल। किलसल भरी नजरों से देख रहा हूँ, उड़ता तीर हाथ में ले लेना। ज्यादा लगी क्या? नील बड़ा। अब मौज की वीडियो कैसे बनाएगा, दर्शक कैसे देखेंगे? कैमरा तो वो पकड़ता है। और बस लगी तो बहुत तेज होगी क्योंकि बट्टे दे देना, टाइल की आवाज आई है। अरे सब झिल्ला में यार, सब झिल्ला में यार, सब ठीक है, सब ठीक है। सुबह हाथ ही तो नीला पड़ेगा। हाँ, और क्या होएगा, नील तो पड़ा है, हाथ तो उल्टा हाथ से क्या करना, हाथ से क्या करना, धोता तो उन्हीं में। ये तो रामलाल हो गया ठाकुर का। उसके लिए मांग लगा रहा पहले शिव में सत्य दिखाओ। शिवा 6 फुट 3 इंच का आदमी, हे मांग 5 फुट 9 इंच का आदमी, और उसके हाथ में ये 1 इंच का, थोड़ा 1 इंच का था ना, क्लोज अप लो, क्या करने वाले उसके साथ? घुटना चेक करेंगे कि शिवा का घुटना मजबूत है, थोड़ा मजबूत है। ये टाइल पर मजबूत ना है। ले जाओ भाई, संपूर्ण पकोड़े बनाने की विधि, गरम गरम पकोड़े। हम बना रहे हैं इसे बेचने के लिए, लाद दे उसकी कमर पे। लाओ भाई, पता बेसन ही बेकार है भाई, पकोड़े तो हम सेम बना रहे हैं, बेसन ही बेकार है, अच्छे से नहीं पटना पा रहा भाई साहब। क्या कह रहे भाई? ला भाई तू पकोड़े खा यार। शिवा तो किसक से खा रहा है भैया? तो खा रहा है। कैसे बने भाई साहब पकोड़े? अरे बोलो मुंह से क्या। एक नंबर है, बहुत उम्दा है ना, टेस्ट करके बताओ। चटनी तो बना लो, क्या कर रहे हो? बारिश में जाऊं मैं? भाई कितने गंदे नजरों से देख रहा। बस बस भाई मत बनाओ। कैसे से खा ले भाई, क्या पुपा जी बन रहा है क्या? मैं खा रहा बेटा, तो बिल्कुल ही बेकार है, नालायक है, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। जी वाह, कैसा बना है? इन्हें बहुत जल्दी रिएक्शन ना दे दिए। ये ब्रेड के ऊपर जो देख रहे हो ना, चाट मसाला है। खाने के बाद थोड़ा, चलो एक और बार टेक टू, थोड़ा टाइम तो ले। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, ऐसे या ऐसे? चलो ठीक है, पकौड़े एंजॉय करते हैं और आप ब्लॉग एंजॉय करो। लाइक करना, बोलना मत।